दुनिया में विभिन्न प्रकार के जीव होते हैं। कुछ पानी में रहते हैं और कुछ हवा में रहते हैं। कुछ वायु में सांस लेते हैं और कुछ पानी में सांस लेते हैं। किसी के कंकाल तंत्र होता है और किसी के कंकाल तंत्र नहीं होता है। इन्हीं अलग अलग प्रकार के जीवों को समझने के लिए जंतुओं का वर्गीकरण किया गया है। जंतुओं को दो भागों में बांटा गया है, वर्टिब्रेट यानी कशेरुक और इनवर्टिब्रेट यानी अकशेरुक। वर्टिब्रेट की रीढ़ की हड्डी होती है और इनवर्टिब्रेट की रीढ़ की हड्डी नहीं होती है। कशेरुक जीवों को मुख्यतः पांच वर्गों में बांटा गया है, फिश यानी मत्स्य, एम्फीबियन या उभयचर, रेप्टाइल्स यानी सरीसृप, बर्ड्स यानी पक्षी, मैमल्स यानी स्तनधारी। वर्ग पिसीस, ये जलीय कशेरुक प्राणी हैं। इनका शरीर शल्कों से ढका होता है। ये शीत रुधिर वाले जंतु होते हैं। इनका हृदय द्विकोष्ठीय होता है। श्वसन गिलों द्वारा होता है। कान में टिम्पैनिक झिल्ली नहीं पाई जाती है और तैरने हेतु पंख पाए जाते हैं। इनके शरीर में पार्श्व रेखा पाई जाती है जिसमें ज्ञानेंद्रियां स्थित होती हैं। मत्स्य वर्ग को आगे चार भागों में बांटा गया है। एम्फीबिया वर्ग या उभयचर, ये उभयचर होते हैं। जल और थल दोनों प्रकार के आवासों में रह सकते हैं। इनकी त्वचा नम, चिकनी और ग्रंथियुक्त होती है। इनमें बाह कंकाल नहीं पाया जाता है और कंकाल का अधिकांश भाग अस्थियों का बना होता है। ये चार पैर युक्त होते हैं और इनकी आँखों के ऊपर घूमने वाली पलकें पाई जाती है। इनकी उंगलियों में क्लॉस या नखर रहित होते हैं। क्रेनियम उपास्थि का बना होता है। इनके क्लोएका या अवस्कर द्वार उपस्थित होता है। मलाशय मूत्राशय इन्हीं अवस्कर द्वार द्वारा खिलती है। इनमें बाह निषेचन पाया जाता है जैसे मेंढक, सेलामेंडर आदि। रेप्टाइल्स या सरीसृप, ये रेंग कर चलने वाले जीव होते हैं और बिलों में रहते हैं। ये असमतापी ठंडे खून वाले जीव होते हैं। इनके शरीर पर कठोर शल्क पाए जाते हैं। इनकी त्वचा शुष्क और ग्रंथि विहीन होती है। इनमें पांच उंगलियां युक्त चार पैर पाए जाते हैं। सांपों के पैर नहीं पाए जाते हैं। अंतः कंकाल अस्थियों का बना होता है। प्रारंभिक अवस्था में गिल और वयस्क अवस्था में फेफड़े पाए जाते हैं। पसलियां और स्तनम पाए जाते हैं। श्वसन फेफड़ों द्वारा होता है। इनका मस्तिष्क अपेक्षाकृत विकसित होता है। इनके कान बाहर नहीं खुलते हैं। ये एक लिंगी होते हैं और अंडे देते हैं, जैसे कि रैको, पाइथन, सांप, मगरमच्छ, डायनासोर आदि। वर्ग एवीस या पक्षी वर्ग, इनमें पंख या उड़ने की क्षमता पाई जाती है। केवल कुछ ही पक्षी ऐसे हैं जो उड़ नहीं पाते हैं। ये गर्म खून वाले होते हैं और समतापी होते हैं। इन्हें पंखों का बना बाह कंकाल होता है। इनके अग्रपाद पंखों के रूप में रूपांतरित होते हैं। चलने के लिए पश्चपाद पाए जाते हैं जिसमें चार अंगूठे हैं। इनके जबड़ों में दांत नहीं होते हैं। इनकी चोंच होती है। श्वसन के लिए फेफड़े पाए जाते हैं। इनमें चार कोष्ठयुक्त हृदय पाया जाता है और एक महाधमनी पाई जाती है, जैसे कि कबूतर, तोता, मोर आदि। स्तनधारी या मैमेलियंस, ये जंतुओं का सबसे विकसित वर्ग होता है और इस वर्ग के जीवों में गर्म खून और समतापी जंतु होते हैं। इनकी त्वचा पर बाल पाए जाते हैं। त्वचा में श्वेत ग्रंथि, तेल ग्रंथि भी पाई जाती है। इनमें स्तन ग्रंथि पाई जाती है जिसमें दुग्ध का निर्माण होता है। ये अधिकांशतः स्तनधारियों में बहाकर पाए जाते हैं। ये विषमदंती होते हैं।
अग्र और पश्चपाद में सामान्यतः 5 उंगलियां पाई जाती है। इनका हृदय 4 भागों में बटा होता है, 2 वालिंद और 2 निलय। इनमें श्वसन फेफड़ों द्वारा होता है और इनकी लाल रक्त कणिकाएं नाभिक रहित होती है। जैसे मनुष्य, बाघ, हाथी, व्हेल मछली, खरगोश, लांबा आदि।